हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तिल और मुरमुरे की रेसिपी को बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों की फेवरेट होती है। तो चलिए अब मुरमुरे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। मुरमुरा बनाने के लिए मैंने लिया 1/2 कटोरी तिल। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे। पैन के गर्म होते ही इसमें तिल ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर तिल को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। तिल को रेगुलर चलाते रहें, अदरवाइज ये जल जाते हैं। तिल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 कटोरी गुड़ लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे। पैन के गर्म होते ही इसमें गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ को लो फ्लेम पर पकाएंगे। टू टीस्पून वाटर ऐड करेंगे। गुड़ को अच्छे से पका ले और ध्यान रखिए कि गुड़ ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ में झाग आने लगी है। गुड़ अच्छे से पक चुकी है और गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है। गुड़ को आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। एक बाउल में पानी लें और चाशनी का एक बूंद उसमें डालें। अगर चाशनी ना फैले तो चाशनी पक चुकी है। गुड़ अच्छे से पक चुका है। गुड़ के अच्छे से पक जाने के बाद अब मैं इसमें तिल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें हम 1/2 कटोरी मुरमुरे ऐड करेंगे। इसे लगातार चलाते रहें। गुड़ जब गर्म रहे तो ही आप मुरमुरा को डालें। इसे जल्दी से मिक्स कर लें, वरना गुड़ जम जाएगा तो मुरमुरा अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें और लगातार इसे चलाते रहें। अब हम एक थाली को फॉइल से रैप करके घी से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुरमुरे थाली में चिपके नहीं। ग्रीस करने के बाद अब हम मुरमुरे को इसमें रखेंगे। और एक बेलन की सहायता से इसे चारों ओर फैला देंगे। मुरमुरे को मैंने अच्छे से थाली में फैला दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद पीसेस में कट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मुरमुरे बनकर तैयार हैं। मुरमुरे बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी बढ़िया सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।